जैसे जैसे 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां चुनाव दौड़ में लग गई हैं। कोई क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहा है तो कोई लोगों को पार्टी की सदस्यता दिला रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभा में दमखम भर रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में विकास करेगी। वहीं जिला जसपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर प्रदेश सह प्रभारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी पिछले 6 महीने से चुनाव के लिए तैयार है और पार्टी पूरी तरह से आगामी चुनाव में लग गई है। पार्टी पूरी तरीके से चुनाव में जाने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी पिछले 6 महीने से लगातार अपने संगठन पर काम कर रही थी और आज हमारा संगठन जो है एक मजबूत स्थिति में आ गया है। अलग अलग जगहों पर जिनको संगठन की जिम्मेदारियां देनी थी वो लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब आने वाले जो आखिरी के 6 महीने हैं उसमें पार्टी जो उत्तराखंड की जनता से संबंधित जो बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी समस्याएं हैं, उनको लेकर पार्टी कुछ घोषणाएं करेंगी। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब जल्द ही उत्तराखंड में भी आएगा और पार्टी पूरी तरीके से अब चुनावी तैयारी में लग गई है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर कार्यक्रम लगातार चलते हैं।